दोस्तों एक बार का फिर से स्वागत है शेखावत टेक्निकल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अगर आज हम बात करते हैं MIUI 9 के बीटा वर्जन की जो कि है 8.1.18 मतलब 18 तारीख पहला महीना और 2018, तो ये 18 तारीख को खैर नहीं आया है, 19 तारीख को अपडेट आया जो कि हर फ्राइडे को अपडेट आता है, तो आज 19 तारीख है तो आज अपडेट आ गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं क्या कुछ खास इसमें देखने को मिलता है इस अपडेट में और क्या कुछ खास देखने को हमें मिल जाता है। तो चलिए सबसे पहले सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद अगर अबाउट फोन में जाते हैं तो अबाउट फोन में जाने के बाद अगर सिस्टम अपडेट में चेक करते हैं, सिस्टम अपडेट चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा MIUI 9 8.1.18 जो कि वीकली अपडेट आपको मिल जाता है। चलिए व्हाट्स न्यू में जाके चेक कर लेते हैं, यहाँ व्हाट्स न्यू में चलते हैं, यहाँ व्हाट्स न्यू पर टाइप करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कुछ खास आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले अगर आप देख पाए तो यहाँ लिखा हुआ फिक्स, तो फिक्स में लिखा हुआ है द बैटरी लेवल इज इनकरेक्ट ऑन स्टेटस बार, तो इसका मतलब क्या दोस्तों, कभी कभी अगर यहाँ पे आप देख पाए तो अभी मेरे 70% है, तो कभी कभी यहाँ पे 80% दिखाया जाता था, ऐसी फॉर्म आ रही थी, या फिर कभी कभी 75 इस तरह दिखाता जाता या फिर 35 इस तरह से बैटरी थोड़ा सा इनकरेक्ट दिखा रहा था, तो उसको भी सॉल्व कर दिया गया है इस अपडेट में। हालांकि मुझे प्रॉब्लम तो खैर नहीं आई है, बाकी जिन जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी उनको खैर सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों अगले अगर बैटरी फिक्स की बात करें तो अगला आता है हमारा बैटरी इज ड्रेनिंग वेरी फास्ट वेन द डिवाइस इज इन आइडियल मोड। दोस्तों अगर आप अपनी मोबाइल की बैटरी है वो अगर किसी भी यूज़ करते थे, अपने बैकग्राउंड में कुछ ऐप्स चल रहे होते थे, तो आपकी बैटरी का लेवल है एकदम से डाउन हो जाता था, एकदम मतलब ऐसे लगता था कि यार 4000 mAh के हमारे साथ बैटरी है लेकिन 4000 mAh जितना हमें बैटरी बैकअप दे नहीं रही है, तो इस तरह से आपको बैटरी बैकअप थोड़ा सा प्रॉब्लम आता था, लेकिन इस अपडेट में वो सॉल्व कर दिया गया है। अब आपकी बैटरी बैकअप थोड़ा सा ज़्यादा चलेगा, आराम से आप बैटरी बैकअप यूज़ कर सकते हैं जितना भी चलता हो, खैर वो थोड़ा सा चार्जिंग में भी इंप्रूवमेंट्स हो, जो कि आपको पहले 3 घंटे 15 मिनट लगते थे अब शायद आपको 3 घंटे ही लग जाएंगे कम से कम। दोस्तों अगले फिक्स की बात करते हैं, अगला फिक्स हमारे सामने आता है द कैमरा इंटरफेस इज नॉट डिस्प्लेड करेक्टली व्हेन द लैंग्वेज इज अरेबिक। इसका मतलब क्या दोस्तों, कभी कभी आप अपना कैमरा का जो खोलते थे, कैमरा का ऐप जो ओपन करते थे, उसके बाद में क्या होता था यहाँ पे अरेबिक में लिखा हुआ आता था, कभी कभी इंटरफेस ओपन नहीं होता था, तो ये अब थोड़ा सा सोल्व कर दिया गया। हालांकि मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं आई है, बाकी क्या पता अदर डिवाइसेज में प्रॉब्लम आ रही हो, बाकी इस वाले मेरे वाले डिवाइस में तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं हो ना, मुझे मेरे पास कोई कमेंट आया कि यार भाई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो यार लगता नहीं, लेकिन फिर भी चलो जिसको प्रॉब्लम आ रही थी उसकी तो खैर सोल्व कर दी जाएगी। दोस्तों अगले की बात करें तो अगला फिक्स हमारे सामने आता है देर आर टू सिक्योरिटी इन एक्सेलरेटेड सेटिंग्स। दोस्तों अगर आप अपनी सेटिंग्स में आता है, सेटिंग्स में जाने के बाद अगर नीचे स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करने के बाद अगर एडिशनल सेटिंग्स में आता है, एडिशनल सेटिंग्स में जाने के बाद अगर एक्सेसिबिलिटी में जाते हैं तो आपको सिक्योरिटी का एक ऑप्शन मिल जाएगा। हालांकि यह ऑप्शन पहले भी था लेकिन इसको थोड़ा सा यहाँ पे अगर परमिशन देखते हैं तो यहाँ परमिशन देने का कुछ अलाउ नहीं था, बस उसको भी अलाउ कर दिया गया। पहले परमिशन नहीं मांगता था लेकिन इस बार आप परमिशन देनी पड़ेगी, आपको एक कुछ परफॉर्मेंस कुछ नियम होते हैं तो इनके वो आपको ओके करना ही पड़ेगा, तो मेरे को करने की जरूरत तो है नहीं, खैर तो आप कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली। तो ये डबल सिक्योरिटी कर दी गई है एक्सेसिबिलिटी या फिर सिक्योरिटी ऐप में बोल सकते हैं आप। दोस्तों अगले फिक्स की बात करें तो अगला फिक्स हमारे सामने आता है लाइन ANR व्हेन यूजिंग ब्लूटूथ हेडफोन फॉर लाइन कॉल्स। दोस्तों ये क्या है, कभी कभी आप अपने ब्लूटूथ हेडफोन्स अगर यूज़ करते थे तो वहाँ पे आपको नॉइज़ कैंसिलेशन थोड़ा सा नहीं मिल पाता था, आपको लगता था कि बाहर के साउंड में कहीं आ रहा है, ANR मतलब बाहर का नॉइज़ कैंसिलेशन की बात कर सकते हैं आप, या फिर आपके कभी कभी कैच नहीं कर पाता था, अगर आप सेलफोन कभी कॉल उठाते थे तो आपको कॉल नहीं लग पाता था, कॉल नहीं आप सुनाई नहीं देता था, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, कॉल डिस्कनेक्ट कनेक्ट वाली प्रॉब्लम थोड़ी सी आ रही थी। हालांकि मैं भी अपना बैंड यूज़ करता हूँ फिटनेस बैंड, तो उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप कभी कभी कॉल कट करने की कोशिश करते हैं अपने फिटनेस बैंड से तो कॉल कट होता ही था, अगर मैं यहाँ कॉल कट करने की कोशिश करता था तो वहाँ से कॉल कट होता ही नहीं था, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिल रही थी लेकिन अब खैर सॉल्व कर दी गई है। दोस्तों अगले न्यू फिक्स की बात की जाए या फिर न्यू फीचर की बात की जो कि गैलरी में हमारे सामने आता है, जो कि आता है ऑप्टिमाइजेशन लोकल स्टोरेज टू फ्री अप स्पेस। अब ये क्या है भाई, तो दोस्तों अगर आप अपनी गैलरी में जाते हैं, यहाँ पे अगर मैं टैप करता हूँ, यहाँ टैप करने के बाद अगर यहाँ पर 3 डॉट के ऊपर टैप करता हूँ गैलरी में जाने के बाद, तो यहाँ पे आप फ्री स्पेस का एक ऑप्शन मिल जाता है, अगर इसके ऊपर टैप करते हैं थोड़ा सा स्कैन करेगा उसके बाद थोड़ा सा आपको फ्री स्पेस भी दे देगा, ये फालतू की जो इमेज है उनको डिलीट कर देगा और फ्री स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये सिंपल सी बात है यार, कर सकते हैं आप इसको यूज़ और आराम से कीजिए। और एक ऑप्शन और मिल जाता है जो कि आपको मिलता है कॉलेज का ऑप्शन। अब इसका मतलब क्या है, कॉलेज मतलब यार अगर आप टैप करते हैं यहाँ पे, शायद ये ऑप्शन पहले भी था, अगर नहीं था तो अगर आप यूज़ कर सकते हैं, अगर यहाँ टैप करते हैं किसी भी फोटोज़ पे ऊपर टैप करते हैं, जैसे मैं इनको टैप करता हूँ ओके प्रेस करता हूँ, तो हम आप कॉलेज में ये टैप बना सकते हैं, इसको यहाँ पे स्वाइप कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हमें सामने मिल जाता है, जो कि हटके एक ऑप्शन हमारे सामने आता है जो कि आपको अपडेटर में कहीं देखने को नहीं मिलता है।
तो एक और ऑप्शन है जो हमारे सामने बच जाता है, जो कि है मी रोमिंग। अब मी रोमिंग क्या है भाई दोस्तों, अगर आप यहाँ जाएंगे तो एक नया ऑप्शन आपको देखने को मिलता है मी रोमिंग। अगर इसके ऊपर आप टैप करते हैं तो बहुत सारी कंट्रीज़ के कुछ परमिशन मांगेगा हालांकि, उसके बाद अगर आप टैप करते हैं तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आ जाएंगे। कहीं पर जाते हैं तो आप रोमिंग का कुछ क्या ऑप्शन है मुझे एग्जैक्टली कुछ समझ में आया नहीं अभी तक, लेकिन कुछ ऑप्शन दिए गए हैं यूरोप यहाँ पे एशिया के जो भी जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे सारे ऑप्शन वगैरह मिल जाते हैं आपको। तो यार समझ में नहीं आया किस कारण से मी रोमिंग क्या काम आएगा आपके, किस काम आएगा हालांकि एग्जैक्टली मुझे समझ में कुछ आया नहीं, लेकिन नया ऑप्शन मिला था तो मैंने आपको बता दिया। तो यही था, कुछ ज़्यादा कुछ हमारे साथ अपडेट तो आया है नहीं इस अपडेट में। बाकी नेक्स्ट अपडेट में हमारे सामने इस अपडेट में जो मेन था वो था बैटरी ड्रेनिंग का। तो बैटरी ड्रेनिंग को सॉल्व कर दिया गया है इस अपडेट में, तो ये एक अच्छी बात थम्स अप पॉइंट हमारे लिए कि बैटरी जो ड्रेन हो रही थी उसको भी सॉल्व कर दिया गया है कहीं ना कहीं। हमारी बैटरी करीब करीब अगर चार्ज करते थे तो दिन भर पूरा नहीं निकाल पाती थी। अगर हम नॉर्मल कॉल भी करते थे जैसे कॉलिंग वगैरह हम यूज़ करते थे तो भी दिन भर हमारे कॉलिंग मतलब मोबाइल यूज़ नहीं हो पाता था, जबकि अगर हम व्हाट्सअप वगैरह यूज़ करते तो हमारा आधा दिन भी कंप्लीट नहीं निकल पाता था। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी तो सॉल्व कर दी गई है इस अपडेट में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक बटन में जरूर से क्लिक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही भविष्य में ऐसी वीडियोस लाते रहें तो आप जरूर से वीडियोस को देखते रहें। बेल आइकन दबाएंगे तभी तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, तो बेल आइकन भी जरूर से दबा दीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, और देखते रहिए शेखावत टेक्निकल यूट्यूब चैनल।